प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? पता है, आपकी अपनी पंचतंत्र की दुनिया आपका इंतजार कर रही है एक नई कहानी के साथ। चतुर कौवी और अजगर की कहानी, जो दमनक ने करटक को सुनाई थी ये समझाने के लिए कि जो काम बल से, ताकत से, शक्ति से सीधे सीधे सामना करके नहीं हो सकता, उसे युक्ति से, चतुराई से निकाला जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है। अब क्योंकि उन दोनों को भी पिंगलक और संजीवक का साथ छुड़ाना है, जो सीधे सीधे सामना करने से तो हो ही नहीं सकता, तो कोई ना कोई युक्ति तो सोचनी ही पड़ेगी। कहां वो कमजोर से छोटे छोटे से दो गीदड़ और कहां वो बलशाली संजीवक बैल और खतरनाक पिंगलक शेर। कोई मुकाबला नहीं है दोनों का। तो फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। तो बच्चों, एक जंगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जिस पर एक कौवा और कौवी का जोड़ा अपना घोंसला बनाकर रहता था बड़े सुख चैन से। लेकिन फिर एक दिन पता नहीं कहां से एक बड़ा सा भयानक काला अजगर आकर उसी पेड़ के नीचे रहने लगा। अब जब भी कौवी अंडे देती थी, वो काला अजगर उन अंडों को खा लेता था। उनके अंडों में से छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे निकलने से पहले ही वो बेचारे नष्ट हो जाते थे। कौवा कौवी अब बड़े दुखी रहने लगे थे, क्योंकि उनकी कोई संतान ही नहीं जिंदा रह पाती थी। वो ये सोच सोच कर बहुत चिंतित रहने लगे, उदास रहने लगे। तो एक दिन कौवे ने पास में ही एक दूसरे वृक्ष के पास रहने वाले एक गीदड़ के आगे अपना दुखड़ा रोया, बेचारा फूट फूट के रोया, और उससे पूछने लगा कि क्या इस संकट का, इस मुश्किल से छुटकारा पाने का कोई तरीका है? क्या इस अजगर के कारण हमें संतान सुख कभी नहीं मिल पाएगा? कब तक चलेगा ऐसे मित्र? कोई तो रास्ता खोजो कि इस अजगर से हमें छुटकारा मिले और हमारी कोई संतान हो, क्योंकि जब तक ये अजगर यहाँ रहेगा, हमारा दुख नहीं मिट सकता। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि जिसका खेत नदी के किनारे हो वो किसान, और जिस घर में सांप का वास हो वो परिवार कभी सुखी नहीं रह सकता, कभी निश्चिंत निडर नहीं सो सकता। तो अब जब गीदड़ ने सुनी कौवे की बात तो बहुत दुखी हुआ। उसने उसे सांत्वना दी और अपने मन में कुछ सोचा, फिर बोला कि मित्र, तुम परेशान मत हो, मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगा। अब तुम निश्चिंत होकर जाओ, कुछ उपाय कर इस अजगर को हम जरूर मारेंगे चतुराई से। उपाय करके तो बड़े से बड़े सूरमा को भी हराया जा सकता है, जैसे कि एक छोटे से केकड़े ने एक चालाक धूर्त बगुले का अंत कर दिया था और बहुत सारे जीव जंतुओं की जान बचा ली थी, जिसके झांसे में आकर बहुत सारी मछलियां बेचारी मारी गई थी। तो अब ये सुनकर कौवा और कौवी की उत्सुकता बढ़ी और बोले, अच्छा कैसे किया केकड़े ने ये कमाल, हमें भी तो बताओ, शायद हमें भी कोई युक्ति सूझ जाए सुनकर ये कहानी। और देखो बच्चों, कैसे जुड़ रही है यहाँ पर एक और कहानी में कहानी। और पता है आपको, इसी कहानी की वजह से बना था वो बगुला भगत का मुहावरा। आपने भी देखा होगा बगुला कैसे एक टांग पर पानी के किनारे खड़ा रहकर मछलियों का इंतजार करता रहता है उन्हें फंसाने के लिए। तो फिर बच्चों, मित्र गीदड़ ने सुनाई कौवा और कौवी को ये कहानी, और आज आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आप भी आज ही साथ साथ ये कहानी सुन सकते हैं। मजे आ गए ना आपके, तो एक नहीं दो दो कहानी आज है ना। तो चलो सुनते हैं हम भी ये कहानी। एक बार की बात है कि किसी जंगल में एक तालाब था, जिसमें बहुत सारी छोटी बड़ी मछलियां, केकड़े और बहुत सारे जलचर यानी पानी में रहने वाले जीव जंतु रहते थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक बूढ़ा बगुला भूख का मारा वहां उस तालाब के किनारे आ पहुंचा।
वो बगुला एक टांग पे खड़ा होकर आंसू बहाने लगा, बिलक बिलक कर रोने लगा। अब उसकी ये दीन दशा, ये हालत देखकर उसके प्रति सहानुभूति दिखाते हुए एक केकड़ा पानी से निकलकर ऊपर आया और उस बगुले से पूछने लगा कि भाई क्या कारण है तुम्हारे दुख का, क्यों इस तरह से रो रहे हो। अब तो वो बगुला और भी जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते बोला कि भाई मैं बूढ़ा हो गया हूं, वैरागी भक्त हो गया हूं, अब तो मुझे जीव हिंसा से बिल्कुल नफरत हो गई है, इसलिए अब मैं किसी मछली को देखता भी नहीं। मैं तो अब बस इसी तरह व्रत करके भूखे पेट रहकर अपने प्राण त्याग दूंगा। तो केकड़े ने पूछा बगुले से, बगुला बाबा आपने ये व्रत क्यों ले लिया, क्यों ले लिया संन्यास, क्यों अपने को इस तरह भूखे रहकर कष्ट देना चाहते हो। तो बगुला बोला कि भाई मैं इसी सरोवर में पैदा हुआ, यहीं रहकर मैं बड़ा हुआ, इसीलिए मुझे इस सरोवर से बहुत मोह हो गया है, बहुत प्यार है, बहुत लगाव है मुझे इस सरोवर से और इसमें रहने वाले सभी प्राणियों से। आज सुबह एक ज्योतिषी ने मुझे बताया कि बहुत विपत्ति आने वाली है, सितारों का खेल बदलने वाला है, रोहिणी नक्षत्र को भेदता हुआ शनि नक्षत्र मंगल और शुक्र के निकट आएगा, जिसकी वजह से अगले 12 वर्षों तक पृथ्वी पर वर्षा नहीं होगी, बड़ा ही कष्ट होने वाला है भविष्य में। और फिर एक दिन इस सरोवर का पानी भी धीरे धीरे सूख जाएगा, सभी जीव एक एक बूंद के लिए तरस जाएंगे, आपस में ही लड़ मरेंगे। और यह बात मुझे किसी छोटे मोटे ऐरे गैरे ने नहीं, बल्कि बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य वाराह मिहिर ने बताई है। अब जिन जिन स्थानों पर मैं पला बढ़ा हूं, वो सभी स्थान, सभी सरोवर वर्षा न होने के कारण सूख जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अभी से मौत को गले लगा लूं। तो बस मैंने सोच लिया मैं यहीं समाधि लगाऊंगा और अपने प्राण त्याग दूंगा। और कुछ ये भी खबर मुझे मिली है कि छोटे छोटे तालाबों में रहने वाले जीव जंतुओं को उनके बंधु बांधव यानी उनके मित्र, उनके शुभचिंतक उन्हें दूर कहीं गहरे और बड़े बड़े तालाबों में ले जा रहे हैं, जिससे उनके प्राण बच सके। बहुत सारे मगरमच्छ, घड़ियाल आदि भी बड़े बड़े तालाबों की ओर जा रहे हैं, लेकिन शायद इस तालाब में रहने वालों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं इसलिए और भी ज्यादा व्यथित हूं और रो रहा हूं कि मेरे इस सरोवर के साथियों को इस बारे में कुछ पता नहीं, निश्चिंत बैठे हैं, जबकि शीघ्र ही उनका सर्वनाश होने वाला है। अब केकड़ा भी चिंतित हो गया, उसे तो सब सच लगा। अब केकड़े ने सभी सरोवर के प्राणियों को इकट्ठा किया और उन्हें बगले द्वारा बताई गई आने वाली विपत्ति के बारे में बताया, उससे परिचित कराया। अब ये सुनकर सभी छोटे बड़े जीव चिंतित हो उठे और बूढ़े बगुले के पास पहुंचकर उससे पूछने लगे, बोले हे महात्मा, आप ही ने इस संकट से हमें अवगत कराया है, हमें इसकी जानकारी दी है, अब इसका उपाय भी आप ही को सोचना पड़ेगा। क्या हमारे बचने का कोई मार्ग नहीं है, आप तो ज्ञानी हैं, कुछ सोचिए। तो बगुला बोला, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है आप सबको, उसे तो इसी बात का इंतजार था। बोला, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं अवश्य करूंगा। पास ही में एक विशाल गहरा तालाब है, जो 24 वर्षों में भी वर्षा न होने से नहीं सूखेगा, यदि तुम लोग मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारे प्राण बचा सकता हूं। तुम्हें मेरी पीठ पर बैठना होगा और मैं तुम्हें ले जाऊंगा उस तालाब तक, फिर वहां तुम सब निश्चिंत होकर रहना। तो अब बगुले की बात सुनकर और उसे अपना शुभचिंतक मानकर सब लोग तैयार हो गए और सब बड़े आतुर थे अपनी अपनी जान बचाने के लिए कि पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं। बस उस बगुला भगत की तो चांदी हो गई, वो तो इसी मौके के इंतजार में था जिसके लिए उसने ये सारा नाटक रचा था। अब तो वो रोज मछलियों को अपनी पीठ पर बैठाकर लाद कर ले जाता और थोड़ी दूर पे जाकर उन्हें एक विशाल सी शिला पर, एक बड़ी सी चट्टान पर
पटक कर मार देता और खा जाता। इस तरह से अब वो रोज भरपेट मछलियों का भोजन करता था और किसी को कोई शक भी नहीं होता था। बहुत दिनों तक उसका ये खेल चलता रहा। अब एक दिन उस केकड़े के मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना आज मैं भी बगुले महाराज के साथ जाऊं और सभी अपने साथियों से जाके मिलूं, उनकी खैर खबर लूं। तो जब उसने बगुले से ये कहा तो बगुला तो और भी खुश हो गया सोचकर कि आज तो इसे खाकर अपना स्वाद बदलूंगा। रोज रोज मछलियां खा खा के मैं उब गया और सुना है केकड़ा क्रैब बड़ा स्वादिष्ट भी होता है। बस फिर क्या था, वो बगुला केकड़े को अपनी पीठ पर बिठाकर चल दिया। अब जब वो तालाब से थोड़ा दूर आ गए और केकड़ा तो चारों तरफ नजर घुमा के उस बड़े तालाब को ढूंढने की कोशिश में लगाई हुआ था, लेकिन तालाब की जगह उसे तो वहां केवल चट्टाने ही चट्टाने दिखाई दे रही थी और एक बड़ी सी चट्टान पर तो उसे हड्डियों का ढेर भी दिखाई दिया। वो देखकर तो वो सावधान हो गया। उसे समझ में आ गया कि जरूर कुछ दाल में काला है। अब उस केकड़े ने लेकिन अपने मन का डर छुपा लिया और बगुले पे बिल्कुल जाहिर नहीं किया कि उसे कोई शक हो गया है और धीरे से उससे पूछा कि महाराज जी और कितनी दूर है तालाब। अब बगुला तो बड़ा प्रसन्न था, खुशी के मारे उसके मन में लड्डू फूट रहे थे कि अब थोड़ी ही देर में मुझे केकड़े का मांस खाने को मिलेगा। वो बड़ी कुटिलता से केकड़े को देखकर हंसा और सारा राज जल्दबाजी में खोल दिया उसके ऊपर। बोला उस शिला की ओर इशारा करके, अरे मूर्ख, यही है दूसरा तालाब, तुम भी फंस चुके हो मेरे जाल में। ये सब तो मैंने अपनी भूख मिटाने के लिए ही किया था, आज मैं तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगा। अब बगुले की सब चालाकी तो केकड़ा पहले ही समझ गया था और वो तैयार भी था। तो केकड़े ने तुरंत अपना दिमाग चलाया और बिना समय बर्बाद किए उसने अपने नुकीले पंजों से उसे कसकर पकड़ लिया और अपने दांतों से बगुले की गर्दन को ऐसे जकड़ लिया कि बगुला तुरंत ही उसके काटने से मर गया। अब केकड़ा फिर वापस लौटकर आ गया अपने तालाब पर और उसने सभी प्राणियों को, जीव जंतुओं को आते ही सारी बात की जानकारी दी कि कैसे वर्षा न होने की बात कहकर बगुले ने उन्हें मूर्ख बनाया था और उनके कितने सारे साथियों को मारकर खा लिया था। सबने केकड़े का बहुत बहुत धन्यवाद किया कि उसने उन सबकी जान बचा ली थी और फिर चैन की सांस ली। अब ये कहानी सुनाकर गिदड़ ने कहा कि देखो, अगर बगुला केकड़े को कुछ न बताता तो केकड़ा भी उसका भोजन बन ही जाता, लेकिन बगुला अपनी ही गलती के कारण मारा गया। अब कौआ बोला, भैया आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इस अजगर से छुटकारे का तो कोई रास्ता बताओ। तो अब हम लौट के आ रहे हैं वापस अपनी कौआ कौ और अजगर की कहानी पर। तो गिदड़ बोला कि भाई, तुम तो पक्षी हो, उड़ने वाले जीव हो, हर जगह आजादी से घूम फिर सकते हो, तो जाओ ऐसा करो, किसी बहुत धनी अमीर व्यक्ति के, किसी राजा महाराजा के किसी बहुत मूल्यवान महंगे हार को अपनी चोंच में पकड़कर उठा लाओ और इस अजगर के बिल के पास लाके डाल दो। जब हार की खोज करते हुए लोग यहाँ आएंगे और हार को यहाँ अजगर के पास देखेंगे तो बस वो इसे मार ही डालेंगे और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। तो गिदड़ की सलाह पर कौआ और कौवी ने ठीक वैसा ही किया। एक सेठ जी की सेठानी जी का हार उठा लाई कौवी और अजगर के बिल के पास गिरा दिया। सेठ जी के नौकर चाकर जब ढूंढने आए तो हार दिख गया अजगर के पास, लेकिन उसे उठाने के लिए पहले अजगर को तो मारना ही था, नहीं तो वो उन्हें मार देता। और सेठ जी को इस तरह से अपना हार वापस मिल गया और बिना सीधा सामना किए, बिना किसी बल का प्रयोग किए, कौआ और कौवी ने चतुर गिदड़ की बताई युक्ति से अजगर से छुटकारा भी पा लिया। तो अब ये कहानी सुनकर दमनक कहने लगा कि हाँ भाई, मैं भी मानता हूं कि अगर बुद्धि ना हो तो शारीरिक बल भी काम नहीं आता, बुद्धिमान प्राणी ही
शारीरिक बल का सही उपयोग कर सकता है। बुद्धिहीन के लिए तो शारीरिक बल का, ताकत का होना न होना सब एक समान है। जैसे एक छोटे से खरगोश ने अपने बुद्धि बल से सिंह जैसे भयंकर प्राणी को मारकर यह साबित कर दिया था कि बुद्धि के सामने शक्ति का कोई महत्व नहीं है। तो अब कर्टक की जिज्ञासा फिर बढ़ी। वो अब खरगोश और शेर की कहानी भी सुनना चाहता था, ठीक वैसे ही जैसे कि आप सब भी सुनना चाहते हो। लेकिन बच्चों, आज आप पहले ही दो कहानियां सुन चुके हैं और अभी आपको और भी बहुत कुछ करना है। आज यहीं रुकते हैं, पंचतंत्र की दुनिया से विदा लेते हैं और चलते हैं वापस अपनी दुनिया में। लेकिन मैं जल्दी ही लौटूंगी आपके लिए ये खरगोश और शेर वाली कहानी लेकर। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा, खूब खेलिए, पढ़िए लिखिए, खासकर अपने स्वास्थ्य का, अपने खान पान का ख्याल रखिए, तभी तो आपकी बुद्धि कुशाग्र होगी, तेज होगी। और अभी मेरे साथ मिलकर जोर से बोलिए, भारत माता की जय।